मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कैनिज़ारो रिएक्शन हम लोगों ने सीखी थी, उसके बाद हमने रोजेनमुंड रिएक्शन सीखी थी, स्टीफन रिडक्शन सीखा था, डाइबैलेज के बारे में सीखा था। आइए एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के पास आते हैं जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल क्यों कहते हैं? देखिए, एल्डोल एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है ALDL, एक है OLOL। एल्डिहाइड को कहते हैं एल्ड, एल्कोहल OH को कहते हैं ऑल। यानी एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो, कार्बोनिल ग्रुप भी हो, और OH ग्रुप भी हो, एल्कोहल ग्रुप भी हो, ऐसा कंपाउंड कहलाता है एल्डोल। कैसे होती है रिएक्शन, कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं। पहली कंडीशन कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन केवल केवल और केवल वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। शर्त यह है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ये सिंगली बॉन्डेड सैचुरेटेड कार्बन के पास होना चाहिए। मतलब जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है एट सैचुरेटेड कार्बन, केवल वही इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से सीखें। मान लीजिए उसने आपको दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये तो हो गया बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो गया अल्फा, सारे बॉन्ड सिग्मा है, सिंगल है, और ये इस पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। यदि यहीं पर मैं बेंजीन ले लूं, ये रही C6H5CHO, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, पर इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। और देख लेते हैं, उसने बोला CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, दोनों साइड में अल्फा है, यानी ये यहाँ से भी दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है, दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसी तरह से बेटा यदि मुझे एक्रोलीन दे दिया जाए, एक्राइल एल्डिहाइड, और पूछा जाए क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन है, पर समस्या ये है कि ये अल्फा कार्बन डबली बॉन्डेड है, ध्यान से देखिए, और यदि डबली बॉन्डेड है तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन रिस्पॉन्ड नहीं होगी, यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। हालांकि इस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर भी इससे एल्डोल कंडेंसेशन कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये हम आगे सीखेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी है कि एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास ज़रूर होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, और वो अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए एक सैचुरेटेड यानी ऐसे कार्बन के साथ जिसने सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे बना रखे हों बेटा, सिंगल बना रखे हों, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। ये पहली रिक्वायरमेंट थी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन में हमें चाहिए, इसके अलावा दूसरे नंबर पर आइए, दूसरे नंबर पर कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो आपने लिए थे, यानी सच एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन्हें लिया जाता है। कितने मोल लिए जाते हैं, 2 मोल्स। कितने मोल लेते हैं बेटा, 2 मोल। कहते हैं जब सच एल्डिहाइड और कीटोन्स इन्हें ट्रीट किया जाता है, आर ट्रीटेड विद DIL, दिल नहीं है बेटा, डायलूट है एल्केली के साथ। डायलूट एल्केली का मतलब समझते हैं, यानी OH-, जैसे लाइक आप KOH ले सकते हैं, डायलूट लेना है भाई, आप NaOH ले सकते हैं, डायलूट लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, डायलूट लेना है। जब इनके साथ ट्रीट किया जाता है देन, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, देन दे कंडेंस और कंबाइन टुगेदर, तो वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू गिव, तो क्या देते हैं, टू गिव्स, तो ये देते हैं एक कंपाउंड
जहां OH होना चाहिए बीटा पोजीशन पर, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन। इसे देते हैं कॉल्ड एल्डॉल, इसी का नाम होता है एल्डॉल। तो ऐसे बनता है एल्डॉल। हालांकि रिएक्शन आगे भी प्रोसीड होती है, पर फिलहाल हम एल्डॉल बनाने की कोशिश करते हैं। जरा समझिए कैसे बनाते हैं। सपोज करिए आपने ये एक कंपाउंड लिया CH3CH डबल बॉन्ड O। क्या जरूरत है अल्फा हाइड्रोजन की, जरा सीखिएगा। दो मोल लेते हैं तो एक मोल और ले लेता हूं मैं CH2CH। ध्यान से समझिएगा, ये कौन है फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन, और ये इससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। एक्चुअली हम इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालते हैं तो इस पर आता है प्लस और यहाँ आता है माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बेन आयन। तो कार्बेन आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन एल्डॉल कंडेंसेशन। अब ये आपके सामने जो स्पीशीज हैं ये इन पे अटैक करती हैं कैसे। पहला अटैक कौन करेगा भाई, ये वाला माइनस। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। तो ये माइनस वाला कार्बन कहाँ अटैक करेगा, इस प्लस वाले कार्बन पे। ये प्लस वाला एच कहाँ जाके जुड़ेगा, इस माइनस वाले ऑक्सीजन पे। दोनों को जोड़ दीजिए, प्रेजेंस आपको पता है, क्या निकाल के रख देना है, दिल, दिल नहीं डायलूट OH माइनस। इसे लीजिए रिएक्शन करा दिया जाए, जरा देखिए क्या बनता है। तो CH3 ऐसे ही रहा, ये CH था, इसका जो O था उस पे H जुड़ गया है देखिए, और इस CH पे ये वाला कार्बन जोड़ दीजिए बेटा अल्फा वाला, तो CH2CHO। चेक करिए क्या ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये अल्फा कार्बन है, क्या ये बीटा कार्बन है, यानी आपको मिल गया है एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी का नाम होता है बेटा एल्डॉल। यही रिएक्शन कहलाती है एल्डॉल कंडेंसेशन। कुछ और लेके देख लेते हैं आइए, जैसे मैंने इसके साथ किए कीटोन के साथ भी एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट अस सी, है उसने आपको दिया है पहला मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये एसीटोन है, पक्का, एक मोल और ले लीजिए, प्लस CH3 CO CH3। ये एसीटोन का दूसरा मोल है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, यहीं से बॉन्ड तोड़ते थे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर पॉजिटिव आता था, अल्फा कार्बन पर आप चार्ज लगाते थे कैसा, माइनस का, यहाँ नेगेटिव आता था। अब आप जरा जोड़िए तो H कहाँ जाएगा, O पर। ये वाला अल्फा कार्बन कहाँ आएगा, कार्बोनिल ग्रुप यानी यहाँ पर। बस दोनों को उठाकर ऐड कर लीजिए, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। जरा देखिए किसके साथ कराया है, डायलूट OH माइनस के साथ। देखिए बेटा क्या बना है, ये CH3 वैसे ही रहा, एक CH3 मैंने नीचे लगा दिया था, ये रहा, O पर H आ गया है, तो ये सिंगल बॉन्ड OH हो गया क्योंकि ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया होगा। क्लियर, जब ये तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव और यहाँ आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर जोड़ दिया। अब ये CH2 कहाँ जुड़ा, इस वाले कार्बन पर जोड़िए CH2, ये कीटोन वाला CO CH3। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और बीटा पर OH, यानी बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। इसी को बोला जाता है एल्डॉल। क्लियर, एक बार आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और खुद से बना के देखिए क्या आप बना पाएंगे CH3 CH2 CHO। इसके दो मोल्स लीजिए, दो मोल लेके डाइल्यूट OH माइनस से रिएक्शन कराइए और बना लीजिए एल्डॉल। देखिए क्या आपसे बनेगा, कोशिश करिए आप बनाने की। मैं आगे बढ़ता हूँ, पॉइंट नंबर थर्ड पर हमें क्या मिल गया है, एल्डॉल मिल गया है। कहते हैं व्हेन, जब हम इस एल्डॉल को गर्म कर देते हैं, ये बड़े आराम से डिहाइड्रेट हो जाते, गेट डिहाइड्रेट वेरी इजीली। यानी क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे H2O वेरी इजीली, बड़े आराम से, एंड गिव्स, और आपको देंगे क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन।
की टोन। लेकिन हाँ, यदि हमने एल्डोल को गर्म नहीं किया तो बेटा कंडेंसेशन में एल्डोल बना के छोड़ देंगे, रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये है आपका पॉइंट नंबर थर्ड। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जो एल्डोल हमने बनाए थे, आइए दोबारा समझ लेते हैं थोड़ा सा रिएक्शन फिर से एक बार। ये रहा CH3CHO, ये एस्टेल्डिहाइड था, आपने दो मोल लिए थे, एक मोल और ले लेता हूँ बेटा। ये रहा CH3CH, क्लियर है? दोनों को जोड़ा था हमने, जोड़ना फिर सिखा देता हूँ कैसे किया था, याद करिए जरा। हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किए, तो इस पर आया था माइनस और इस पर आया था प्लस। फिर हमने यहाँ से इसे अल्फा को तोड़ा था, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, तो इस पर आया था प्लस और इस पर आया था माइनस। बस केवल जोड़ देना है। तो ये माइनस वाला जो ओ था, इसे हमने किसके साथ जोड़ दिया था बेटा, माइनस वाले ओ को प्लस वाले के साथ, तो इसे उठा के जोड़ दीजिए प्लस वाले के साथ, और ये माइनस वाला किसके साथ जोड़ दीजिए, इधर प्लस वाले के साथ। समझ में आया है क्या बना है? देखिए CH3CHOH और क्या बन गया यहाँ पे CH2 एंड CHO। लीजिए, अब कह रहे हैं कि इसे गर्म कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो आप OH कहाँ से निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे होगा बीटा से, और अल्फा बीटा के बीच में अनसेचुरेशन चाहिए, तो H कहाँ से निकलेगा? यहाँ से एक H निकला। अब यदि यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो क्या बचा? CH3 बचा, यहाँ CH बचा, और यहाँ से एक H निकल गया तो CH बचा। एक बेटा इसका बॉन्ड फ्री, एक इस कार्बन का बॉन्ड फ्री, मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। और आगे आपका फंक्शनल ग्रुप जैसा था वैसे बन गया। क्या कहते थे? क्रोटोनेल्डिहाइड। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है, जिसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। लीजिए, ये है कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन। बट रिमेंबर वन थिंग, यदि उसने गर्म किया है तो ये बनाइए, गर्म नहीं किया है तो मत बनाइए। अब कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, वो यहीं पे लिख देगा कि डायलूट OH माइनस और यहीं बना देगा हीट, तो आपको वो प्रोडक्ट बनाना होगा। तो इतना लंबा ना बना के हम इसे सीधे सीधे बना सकते हैं। इसके लिए क्विक ट्रैक जल्दी का रास्ता है, आइए वो रास्ता भी मैं आपको सिखाता हूँ। यदि फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना है तो हम सीखने जा रहे हैं इसके लिए क्या, क्विक ट्रैक। क्विक ट्रैक, नॉट ट्रिक। अब आप कहेंगे ट्रैक में दो के, हाँ जल्दी का रास्ता मैं सिखा रहा हूँ तो दो के बन गए। क्विक ट्रैक, शॉर्ट में हम इसे QT लिखते हैं, QT वाला नहीं, QT वाला, क्विक ट्रैक, जल्दी का रास्ता। देखिए दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, आप दोनों एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को सामने लिख लीजिए। ये रहा पहला प्लस, ये रहा दूसरा, आ गए आपके सामने। अब देखिए आपको करना क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, इन्हें जोड़ना है कैसे, वाटर निकाल के। सीखिए कैसे निकालेंगे। तो वाटर निकालने के लिए आपका प्रोसीजर क्या होगा, ये सुनिए, आपको करना क्या है, आपको ये करना है, इसमें से तो ओ हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? ओ, यानी हमने क्या रिमूव किया, रिमूव ओ, हटा दिया। अब वाटर निकालने के लिए हाइड्रोजन भी हटाना है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा है, यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, रिमूव टू अल्फा एच कर देंगे। आइए करते हैं। तो यहाँ से मैंने बेटा क्या हटाया जरा बताइए, मैंने हटाया ओ, तो क्या बचा, यहाँ बचा CH3CH डबल बॉन्ड, सही लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड, ये बचा भैया, देख लो किसी को डाउट हो। इधर से क्या बचा, यहाँ से दो एच निकल गए, यहीं से निकले ना अल्फा से, तो क्या बचा CH, दो निकल गए तीन में CH, और दो बॉन्ड इसके फ्री, दो बॉन्ड इसके फ्री, आपस में जुड़ गए एंड CHO, काम खत्म। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, दोनों को आमने सामने लिख लिया, जोड़ना था हमें, वाटर निकालना था, एक से ओ निकाला, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन से जो अल्फा कार्बन था, अल्फा हाइड्रोजन दो निकाले, दो बॉन्ड यहाँ फ्री किए, दो यहाँ फ्री किए, आपस में जोड़ दिया, पहला तरीका।
आमने सामने लिख के। आप चाहते हैं आमने सामने ना लिखें, एक और तरीका सीख लीजिए, ट्रिक नंबर दो, क्यू टी नंबर टू। देखिए दूसरे तरीके में आप क्या करिए, आप सबसे पहले एक कार्बोनिल कंपाउंड लिख लीजिए, CH3CHO लिख लिया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लीजिए, फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा। इसके अल्फा कार्बन के नीचे, किसके अल्फा कार्बन के नीचे हमेशा दूसरे का O बना दीजिए, ये बन गया O, CH CH3। सोच लीजिए भाई यही दो थे, और डाइल्यूट OH- के साथ गर्म किया। तो आपको वाटर निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन दो निकालिए, ये रहे तीन में दो निकल गए एक बचा, इस O के साथ वाटर बना दीजिए, जोड़ दीजिए। अब देखो मैं इधर से लिख रहा हूँ नीचे से, CH3CH, केयरफुली देखिएगा CH, और ये दो बॉन्ड किस पे जुड़ गए, ऊपर वाले CH पे, दो बॉन्ड जुड़ गए ऊपर वाले CH पे, और उसी से आगे क्या जुड़ा है CHO। लीजिए भाई बन गया, देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो। अब चेक करिए क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, यस है, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्लियर है। और एग्जांपल ले लेते हैं एक आध थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए, चलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं, जिसमें उसने बोला एक हमने लिया इसे, चलेगा। अब बताइए कौन सा तरीका अपनाएंगे, पहला वाला के दूसरा वाला, कोई भी अपना लीजिए, मैं दोनों से सिखा देता हूँ। चलिए इसका एक और लेना है, एक और ले लेते हैं भाई, यहाँ लगा दो कोई एतराज तो नहीं है, एक ही बात है कहीं भी लगा दो। अब देखना ध्यान से, मुझे एक से O उठाना है, तो मैंने यहाँ से सपोज करो O ले लिया, और एक से अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान से देखना ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये दो अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, सही है। तो मैंने क्या कहा था आपसे जरा बताइए, यहाँ से इसे तोड़ा दो बॉन्ड फ्री हुए, यहाँ से दो H निकाले और इन्हीं से क्या बना दिया H2। क्या बचेगा भाई देखना ध्यान से, ये छः कार्बन की रिंग हो गई, ये दो बॉन्ड इसके फ्री हुए, और ये दो बॉन्ड किससे जाके जुड़े, इस जगह जाके जुड़े, यानी यहाँ पे कहीं आके जुड़े। देखिए बोलिए समझ में आया है, ये क्या हो गया है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का कैसे करते हैं समझ में आया है। तो ये तरीका होता है यदि आपको डायरेक्ट एल्डोल बनाना है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन जो आपने पढ़ी है इन्हीं रिएक्शंस को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल कंडेंसेशंस थी। आइए इस एल्डोल कंडेंसेशन को थोड़ा सा बदलते हैं, चेंज करते हैं और एक नया नाम उठाते हैं जिसे कहते हैं, जैसे आपने क्रॉस कैनिजारो सीखी थी उसी तरह से होता है बिल्कुल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बट इस क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, आप दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड या कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं, और शर्त है कि एटलीस्ट वन हैव अल्फा एच, कम से कम एक पर अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, क्लियर। और इन्हें आपस में क्या करते हैं, कंडेंस करा देते हैं, फिर से रिएक्शन करा देते हैं, तो उसमें हमेशा बनते हैं दो या दो से ज्यादा एल्डोल्स, तो ये रिएक्शन कहलाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आर यूज्ड, आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, इट गिव्स, ये हमेशा आपको देगी, इट गिव्स कम से कम दो या दो से और मोर एल्डोल्स, तो रिएक्शन कहलाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे आइए देखते, मान लीजिए एक हमें दिया गया, ये क्या दिया गया है CH3CHO, एक हमें दिया गया है कीटोन, कौन सा CH3CO CH3, कहा गया
डाइल्यूट OH के साथ इनकी रिएक्शन कराएगी। अब देखिए मैंने इसे गर्म नहीं किया है, यानी मैं एल्डोल बनाने जा रहा हूँ केवल। तो कैसे करेंगे जरा समझिएगा, ये आपका फंक्शन ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ से मैंने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, O पर आएगा माइनस, C पर आएगा प्लस। फिर मैंने इसको यहाँ से तोड़ा, जब यहाँ से तोड़ेंगे तो इस C पर आएगा माइनस, और यहीं से मैं क्या निकालूंगा, एक H निकालूंगा, प्लस वाला निकालूंगा। तो यहाँ से जो H निकलेगा वो H कहाँ जाएगा, इसके पास, और ये माइनस वाला कार्बन किसके पास आएगा, इसके पास। उठा के दोनों को जोड़ दूंगा, ज़रा देखिए क्या बनेगा, आपको मिलेगा CH3CH। मिला, O पर कौन गया, H, और इस CH पर कौन जुड़ा, ये वाला CH3 का बचा हुआ हिस्सा यानी CH2, और कौन जुड़ा है इससे, CO, CH3। आगे जगह दिख नहीं रही थी, मैंने नीचे लिख दिया है बेटा। तो ये आपका हो गया क्या, फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डोल या कीटोल कह सकते हैं, बट आई विल प्रीफर एल्डोल, मैं तो एल्डोल ही बोल दूंगा। तो इस तरह से रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक तो ये बना, पर ये खत्म नहीं हुआ, प्लस तीन मोर एल्डोल, तीन एल्डोल और बने। कौन कौन से तीन एल्डोल बने देखना, अभी मैंने कीटोन से एच निकाला, एल्डिहाइड पे जोड़ा। आप एक बार एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को निकालिए, कीटोन पे जोड़ दीजिए, दो बन गए। तो ये दो तो कहलाते क्रॉस एल्डोल, क्रॉस यानी डिफरेंट के। तीसरे पे आइए, तीसरे में दो सी एल्डिहाइड ले लीजिए, दोनों एल्डिहाइड मिलके एक एल्डोल बनाएंगे। दो कीटोन्स ले लीजिए, दोनों कीटोन मिलके एक एल्डोल बनाएंगे। तो तीन और एल्डोल बनेंगे, जिसमें एक और बनेगा क्रॉस वाला और दो बनेंगे सिंपल एल्डोल्स, यानी टोटल चार एल्डोल्स बनेंगे, जिनमें दो कहलाएंगे क्रॉस एल्डोल, दो कहलाएंगे सिंपल एल्डोल। तो इसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए, मैंने ये भी बोला था कि एक पे अल्फा हाइड्रोजन हो तो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए उसने आपको एग्जाम्पल दिया है, सपोज करिए C6H5CH, ये एल्डिहाइड है, और एक उसने दिया है CH3CH, ये दूसरा एल्डिहाइड है। कहते हैं इनका एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, सेम किसके साथ, डाइल्यूट OH माइनस के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप अल्फा एच निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अल्फा एच मिलेगा ही नहीं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो था, अल्फा नहीं था, पर तो यहाँ से एच निकलेगा, और वो एच जुड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से एक एच कहाँ आएगा, यहाँ पर, और ये वाला कार्बन कहाँ आएगा, यहाँ पर। जरा जोड़िए क्या बनेगा, C6H5CH, इस पर जुड़ गया OH, इस पर जुड़ गया CH2, और आ गया CHO। लुक हियर, ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। एक और बनेगा किसके साथ, जब एस्टेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड मिलेंगे, बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड मिलकर एल्डोल बना नहीं सकते, यानी कितना एल्डोल, एक और मिलेगा, वन मोर, जो किससे बनेगा, एसीटेल्डिहाइड के दो मोर से। यानी इसमें एक ही क्रॉस एल्डोल बना, एक क्रॉस एल्डोल बना और एक सिंपल एल्डोल बना। तो इसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक और होती है बेटा इसी में, क्रॉस हो गई, एक होती है जिसे बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, आपने इंटरनल केनिजारो भी पढ़ी थी, तो वही कंडीशन जो वहां थी, सेम कंडीशन यहां पे। कहते हैं व्हेन, कितने, दो सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कार्बोन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी हम ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। डाई कार्बोनिल का मतलब जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप्स हों एक ही कंपाउंड में, उसे बोलते हैं डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसा कुछ होना चाहिए, लाइक जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, या जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH2
CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये रहा। इसे कहते हैं डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसे ऐसे गिना जाता है, पहला नंबर इसको दे दिया मैंने, 2, 3, 4, तो इसको बोला जाता है 1.4 डाई कीटो। इसी तरह से इसको देखिएगा, पहला नंबर मान लीजिए इसको दिया 2, 3, 4, 5, 6, तो इसे क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड 1.6 डाई कीटोन्स। इन डाई कीटोन्स या डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स की हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन है वो दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक तो देखिए ये आपका फंक्शन ग्रुप है, एक से ही सीख लेता हूँ, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है। जो बाहर वाला यानी एंड वाला लास्ट वाला होता है इसे बोलते हैं आउटर, क्या बोलते हैं, आउटर अल्फा। और ये जो अंदर है इसे बोलते हैं क्या, इनर अल्फा। यानी दो होते हैं, एक आउटर अल्फा एक इनर अल्फा। ऐसे यहां पे देखिएगा ये क्या कहलाएगा, ओ अल्फा, ओ अल्फा यानी आउटर अल्फा। ये क्या कहलाएगा, आई अल्फा, आई अल्फा यानी इनर अल्फा। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा तो हमें अल्फा हाइड्रोजन एक से चाहिए और दूसरे में जोड़ेंगे, तो कौन सी जोड़ेंगे, आउटर वाली या इनर वाली, इनर वाली या आउटर वाली, ये कैसे पता चलता है? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यदि आपका एल्डिहाइड में ये वाला जो बाद वाला नंबर है, क्योंकि एक नंबर के बाद दूसरा आएगा, एक को तो एक दिया ही मैंने, जो बाद वाला नंबर है यदि ये हायर है, ये 4 है 5 है तो कम है, 6 है 7 है तो ज़्यादा है, यदि ये वैल्यू 4 या 5 है तो हमेशा आउटर वाला यूज़ करिए, और ये वैल्यू 6 है 7 है 8 है तो इनर वाला यूज़ करिए। यानी यदि ये वैल्यू लोअर है तो हमेशा आउटर वाला, और ये वैल्यू हायर है तो हमेशा इनर वाला अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे, आइए सिखाता हूँ, और इसको लिख लेते हैं एक बार। मैंने बोला है कि यदि आपका डाई कीटोन 1.4 या 1.5 ये डाई कीटोन है तो आप कौन सा यूज करेंगे, ओ अल्फा, ओ यानी आउटर अल्फा। और यदि आपके पास 1.6 या 1.7 डाई कीटो है तो आप यूज करेंगे आई अल्फा, आई अल्फा यानी इनर, अंदर वाला अल्फा। क्लियर, सीखते हैं एक एग्जांपल से। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल से। जैसे मैं इसे लेता हूँ CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। तो ध्यान से देखिए 1 और 5 है, देखिए एक नंबर इसे देंगे और ये किस नंबर पे आएगा, 5 पे, बाकी 2, 3, 4। क्लियर, तो 1, 5 में कौन सा लेना है, तो ये तो है आउटर वाला, ये है इनर वाला, तो कौन सा लेना है, ये वाला अल्फा, याद रखिए इस अल्फा को इस्तेमाल करना है। तो चलिए कहानी शुरू की जाए। तो हम करेंगे क्या, समझिएगा ध्यान से, हम एक को तोड़ेंगे तो इस वाले को अपन ब्रेक कर देते हैं। आइए, हमने ब्रेक किया इसे ऐसे ही करके, ओ पर आया माइनस, सी पर आया प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से अल्फा निकालेंगे, तो यहाँ से एक अल्फा एच निकालने के लिए जरा मैं इसको थोड़ा ठीक से ब्रेक करके लिख देता हूँ। जस्ट लुक हियर कि मैं इसको ऐसे ना लिख के यदि ऐसे लिख दूँ कि CH2 and H, एक ही बात है बेटा, ठीक, ऐसे करके लिख देता हूँ। अब देखिए क्या तोड़ेंगे, ये वाला, तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, बस इतना सा काम। ये वाला प्लस कहाँ जोड़ दूँ, इस माइनस पे, और ये वाला माइनस कहाँ जोड़ दूँ, इस वाले प्लस पे। जोड़िएगा बड़ा केयरफुली भाई, किसकी प्रेजेंस है, डाइल्यूट OH माइनस की। गर्म नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब, मैं केवल प्रोडक्ट बनाने में दिलचस्पी है भाई मेरी, बनाया जाए। चला देखिए प्रोडक्ट क्या बना, तो बनाते हैं। लुक हियर, ऊपर से बना रहा हूँ, CH3 जैसा था वैसे ही है, इस वाले कार्बन पे आ जाइए, ये क्या है C, इस C से जो O था वो किस में बदल गया है, OH में बदल गया। इसके बाद इससे क्या जुड़ा है कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है देखिए CH2 तीन बार, तो CH2 तीन बार यहां तक आ गए। फिर क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O।
फिर सी डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, ये CH2, और ये वाला CH2 जाके कहाँ जुड़ गया, उसी कार्बन पे जिस पे OH था। लीजिए कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की एक स्टेबल रिंग बन गई। चेक कर लीजिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी। गर्म कर दिया जाए तो यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे हम। कुछ आया समझ में? पांच वाला था तो मैंने किसे यूज़ किया है, बाहर वाले को। देखिए कुछ मत करिए, बस इस कार्बन को उठाइए, इस वाले कार्बन से जोड़ा है मैंने, इन्हें आपस में जोड़ा, कुछ नहीं किया बेटा, और इस वाले एच को यहाँ जोड़ा है, और जब इसको जोड़ेंगे ऐसे करके तो एक रिंग बन गई है। इनकी एक रिंग बन गई, कितने आइटम्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम्स। इज दैट क्लियर? चलिए एक और ले लेते हैं, इसमें इनर वाला यूज करते हैं। लुक हियर, फिर से लेता हूँ CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। देखिए इसका नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब क्या अपन कौन सा लेंगे, इनर वाला यानी ये वाला एच लेंगे। करिए भाई रिएक्शन को, डाइल्यूट OH माइनस के साथ किया जाए भाई, जरा देखिए कैसे करेंगे। तो हम इस बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक कर लें, ऐसे करके यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, और यहाँ से एक H निकालेंगे, ये रहा, कहाँ जोड़ेंगे यहाँ पे, और इस C पर चार्ज आएगा माइनस, तो ये वाला C कहाँ जोड़ेंगे, इस प्लस वाले पे। जोड़ दिया जाए भाई, चलिए आइए जोड़ देते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये रहा CH3, ये रहा C, और इस C का जो O था वो किसमें बदल गया, OH। अब इस C को यहाँ बाद में जोड़ूंगा, उससे पहले इससे क्या जुड़े हैं, 1, 2, 3, 4 CH2 जुड़े हैं। कैन आई टेक 4 CH2, पहला CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा CH2, नजर आया 4 CH2। और अब इस CH2 से जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, इस वाले CH2 से जुड़ा है, इस वाले CH2 से जुड़ा है C डबल बॉन्ड O। नजर आया, एक छोटी सी मिस्टेक कर गया मैं, कोई बात नहीं, अभी सही कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4 के बाद इसे हटा देता हूँ, 4 के लिए पांचवा आ गया, इसको ध्यान नहीं दिया था मैंने, ये रहा आपका पांचवा वाला, पांचवा कौन सा, ये वाला। तो यहाँ क्या बचा, CH, केवल CH, और इस CH से जुड़ा है एक C डबल बॉन्ड O एंड CH3, पक्का। अब इस CH को किससे जोड़ना है, इस CO वाले C से। लीजिए फिर से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की रिंग, एक स्टेबल रिंग है, क्योंकि रिंग या तो 5 कार्बन की स्टेबल होती है, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड, तो ये आपका प्रोडक्ट बना है। ये गर्म करेंगे तो देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में नहीं आया लगता है, फिर समझाऊँ एक बार, चलिए एक बार फिर समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं। आइए एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं, मैंने क्या किया था, फिर देखिएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ आया प्लस, यहाँ आया माइनस, और कौन सा यूज किया, इनर वाला अल्फा, क्या यही अल्फा है, इसे यूज किया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इनर वाले से एच निकाला और कहाँ जोड़ दिया, ओ पर, और अल्फा कार्बन कहाँ जोड़ दिया, कार्बोनिल वाले कार्बन पर, जोड़े फिर से जोड़ दो, ये रहा CH3, ये रहा C। अब इस C से OH ऊपर लगा देता हूँ, चलिए मैं, ये वाला ओ हट गया। अब चार बार CH2 जुड़ा, देखिए ऐसे जोड़ा था मैंने, पहला CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा CH2 जुड़ा। अब पांचवे नंबर पे कौन आ गया, ये आ गया CH, और ये CH किस पे जुड़ गया, इस वाले C पर, जोड़ दीजिए, यहाँ तक का काम हो गया। कौन बचा, C से, C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा, CH3 बन गया। ये हो गया आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, और ये बीटा पर हाइड्रोक्सी, इसे कहते हैं इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन। ये था एल्डोल कंडेंसेशन।
क्वेश्चंस हैं थोड़े से, बट नॉट टुडे। हम आज नहीं करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के क्वेश्चन, करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में हम बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शंस पढ़ेंगे, आई मीन्स की हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन मेथड क्या होता है, साथ ही साथ हम सीखेंगे कार्बिलामीन रिएक्शंस क्या होती हैं मैकेनिज्म के साथ। आज केवल यहाँ इतना ही, थोड़ा सा जो एल्डोल का पोर्शन बाकी है आई विल कवर ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।